हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग टाइप ऑफ रिलेशंस डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें क्लास टाइप है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। पहले डेफिनेशन करेंगे, तो ये सीबीएसई में बहुत कम पूछा जाता है, तो हम लोग बस कंप्लीशन के लिए डिस्कस कर रहे हैं। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन क्या है? ए रिलेशन आर इज सेड टू बी एंटी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई दैट ए इज इक्वल टू बी फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। तो एंटीसीमेट्रिक रिलेशन कौन सा होता है? एक रिलेशन जिसमें अगर ए बी रिलेशन में हो और बी ए भी रिलेशन में हो, तो इसका मतलब ए और बी इक्वल होने चाहिए। तो हम लोग एग्जाम्पल करते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल करूं मैं, आर इज ए रिलेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स पे रिलेशन है आर, ए कोमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ए डिवाइड्स बी। तो ये रिलेशन हमारा, रिलेशन जो है हमारा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर्स पे है, और रिलेशन की कंडीशन क्या है? ए रिलेटेड होगा बी के साथ, कब? जब ए जो है वो बी को डिवाइड करेगा। अब यहां पे देखो कि अगर मान लो हम लोग, कंडीशन क्या है यहां पे? कंडीशन ये है कि अगर ए बी रिलेशन में हो और बी ए रिलेशन में हो, तो हम लोगों को ये लेट करनी है, पूरी कंडीशन लेट करनी है, तो इसके बाद में ये होना चाहिए, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन एंड बी कोमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। तो अगर हमारा ए कोमा बी रिलेशन बिलोंग करता है, बी कोमा ए में रिलेशन में बिलोंग करता है, वेयर ए कोमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जहां पे ए और बी क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। तो ए कोमा बी रिलेशन बिलोंग कर रहा है, मतलब ए बी के साथ रिलेट हो रहा है, तो कब रिलेट होगा? जब ए बी को डिवाइड करेगा। दिस इंप्लाइज ए डिवाइड्स बी, और बी कोमा ए रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब हो जाएगा कि बी जो है वो ए को डिवाइड कर रहा है। दिस इंप्लाइज बी डिवाइड्स ए। अब देखो आप, ए बी को डिवाइड कर रहा है और बी भी ए को डिवाइड कर रहा है, तो इन दोनों कंडीशन से हम क्या बोल सकते हैं कि ए जो है वो बी के इक्वल होगा। तो ये कैसा रिलेशन है? ये रिलेशन हमारा एंटीसिमेट्रिक रिलेशन है। एक और एग्जांपल करता हूं मैं, जैसे ए हमारे पास सेट है 1 2 3 4, मैं एक रिलेशन लिख रहा हूं, तो आपको बताना है कि रिलेशन एंटीसिमेट्रिक है या नहीं। तो रिलेशन लिख रहा हूं मैं यहां पे, रिलेशन हमारा है 1 2 1 1 2 1 2 2, ठीक है? तो ये हमारा रिलेशन है। तो क्या ये रिलेशन एंटीसिमेट्रिक है? तो इसका आंसर है नहीं, ये एंटीसिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 2 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, 2 1 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, पर क्या 1 इज इक्वल टू 2 होता है? ये दोनों अगर रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं तो 1 इज इक्वल टू 2 होना चाहिए, और ऐसा तो नहीं होता है, तो ये एंटीसिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो टाइप ऑफ रिलेशंस में इतना ही था। अब हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। ये जो मैं एक्सरसाइज डिस्कस कर रहा हूं, ये एलिमेंट्स की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1। इसके हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आप बुक से देख सकते हो, मैं यहाँ पे बस आपसे डिस्कस कर रहा हूं, मीन्स पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, बस हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो
क्वेश्चन नंबर वन में जो गिवन है, गिवन है कि लेट ए हमारा सेट है 3,5, सेट बी है हमारे पास 7,11। तो हम लोगों को शो करना है, शो दैट द रिलेशन आर, आर रिलेशन क्या है हमारा, ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, एंड ए माइनस बी इज ओड, इज एन एम्प्टी रिलेशन। ये शो करना है अपने को, हमें प्रूव करना है कि जो आर रिलेशन है ये एक एम्प्टी रिलेशन है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो हमारा रिलेशन क्या है, ए रिलेटेड होगा बी के साथ, वेयर ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, और ए माइनस बी इज ओड। तो अगर हम लोग इसको वैसे ही देखते हैं, मान लो ये मैं सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूं, ये तो मैं बस सिर्फ आपको समझा रहा हूं, जैसे ए सेट से बी सेट यहां पे, ठीक है। तो यहां पे देखो कि ए और बी कब रिलेट, इधर का एलिमेंट और इधर का एलिमेंट कब रिलेट होगा, जब उनका डिफरेंस ओड आएगा। तो अगर 3 और 7 का डिफरेंस, मान लो 3 माइनस 7 तो ये तो 4 आया, -4 आया, -4 तो इवन नंबर होता है, तो क्या ये रिलेट हुआ, नहीं ये रिलेट नहीं हुआ। 3 11 के साथ रिलेट नहीं हुआ, तो 3 ने ना 7 के साथ रिलेशन बनाया ना 11 के साथ। ऐसे ही 5 ने, 5 माइनस 7 -2 होता है, वो भी ओड नहीं है, और 5 माइनस 11 -4 होता है, वो भी ओड नहीं है। तो इनका किसी का भी डिफरेंस एक तरीके से ओड नहीं आ रहा है, तो कोई भी एलिमेंट किसी के साथ रिलेशन नहीं बना रहा है। तो ऐसे में क्या हो जाता है, हमारा एम्प्टी रिलेशन हो जाता है। पर ये हमें पर्टिकुलर तरीके से करना है, सीबीएसई के वे में करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि कोई भी रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। तो अगर मैं ए क्रॉस बी निकालूं यहां पे, तो ये हो गया 3 7 3 11, 5 7 5 11। बस हमने जो यहां पे बातें डिस्कस की कि ये रिलेशन में नहीं, कोई भी रिलेशन नहीं बना रहा, वही मैथमेटिकल लिखना है बस, और कुछ नहीं है। अब देखो, अगर कोई भी मतलब एलिमेंट रिलेशन में बिलोंग करेगा वो इन्हीं में से होगा, इन्हीं में से एलिमेंट होगा अगर कोई रिलेशन में बिलोंग किया तो। तो हम लोग शो करेंगे कि इनमें से कोई भी रिलेशन, कोई भी एलिमेंट रिलेशन नहीं बना रहा है, मीन्स इनमें से कोई भी रिलेशन में नहीं आ रहा है। तो जैसे पहले हमने 3,7 उठाया, 3 माइनस 7 इज इक्वल टू -4, तो ये तो क्या है, इवन नंबर है। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज 3,7 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, तो हमारा 3 और 7 रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। अगला 3,11 के लिए चेक करते हैं, तो 3,11 के लिए क्या करेंगे, 3 माइनस 11 जो कि होगा -8, तो ये भी अपना ओड नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 3,11 भी रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। अब ऐसे ही 5,7 डिफरेंस चेक करते हैं, 5 माइनस 7 इज इक्वल टू -2, ठीक है, ये भी अपना इवन है, और इसीलिए 5,7 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। और फाइनली 5 माइनस 11 इज इक्वल टू -4, तो ये हो गया 6 -6, तो -6 भी अपना इवन होता है। सो ये क्या हो जाएगा कि 5,11 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो इनमें से हमारा कोई भी एलिमेंट रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा, सो आर इज एन एम्प्टी रिलेशन। तो हमारा जो आर है वो एक एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2, इफ, नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर टू, इफ आर इज रिलेशन लेस देन, रिलेशन हमारा लेस देन का है फ्रॉम ए 1 2 3 4 5 टू बी, बी हमारा है 1 4 5, तो हम लोगों को रिलेशन लिखना है इस क्वेश्चन में, हम लोगों को रिलेशन लिखना है और हमें फाइंड करना है रिलेशन का इनवर्स। तो रिलेशन का इनवर्स हम लोग आर इनवर्स से डिनोट करते हैं, ये हमने डिस्कस नहीं किया है पहले, बहुत ज्यादा काम का नहीं है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, पर हम लोग ये इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कैसे निकालते हैं, पहले हम लोग आर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इफ आर इज रिलेशन लेस देन फ्रॉम ए टू बी, तो हम लोगों को रिलेशन लिखना है लेस देन का, तो यहां पे अगर मैं देखता हूं 1 2 3 4 5, 1 4 5, तो देखना हमें किस किस में रिलेशन है, तो वन वन के साथ रिलेशन नहीं बना रहे, 1 4 के साथ रिलेशन बना रहे, क्योंकि वन क्या है लेस देन फोर है, 1 लेस देन 4 है, तो हमें ए से बी में देखना है कौन से एलिमेंट लेस देन है, तो 1 इज लेस देन 4, 1 इज लेस देन 5, 2 लेस देन 4, 2 लेस देन 5, ऐसे ही 3 लेस देन 4, 3 4 के साथ रिलेशन बना रहे, 3 5 के साथ रिलेशन बना रहे, ऐसे ही 4 जो है वो 4 के साथ रिलेशन नहीं बनाएगा, 4 4 से लेस नहीं है, तो 4 5, और 5 जो है वो किसी से भी लेस नहीं है, तो ये हमारा रिलेशन आर हो गया, ये हमने रिलेशन लिख दिया। रिलेशन लिखने का मतलब क्या होता है, हमें बताना है कौन से एलिमेंट रिलेटेड हैं, आपस में रिलेटेड है, ए के कौन से एलिमेंट बी के किस एलिमेंट से रिलेटेड है, तो वो हमें लिखने हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर में जब हम एलिमेंट लिखते हैं इसका मतलब क्या है कि 1 जो है वो 4 से रिलेटेड है, 1 जो है वो 5 से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब अगला जो पार्ट था कि हमें आर इनवर्स लिखना है, तो आर इनवर्स की क्या डेफिनेशन है, अगर आर इनवर्स की मैथमेटिकल डेफिनेशन तो है ए कोमा बी सच दैट, मैं ढंग से लिखता हूं, आर इनवर्स की डेफिनेशन है बी कोमा ए सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन। तो आर इनवर्स, अगर हमारा आर रिलेशन आर जो है वो ए से बी पे डिफाइंड है, तो आर इनवर्स बी से ए पर डिफाइंड होता है, और बी से ए पर किस तरीके से डिफाइंड होता है, अगर हमारा ए बी से रिलेटेड हो रहा है रिलेशन में, तो आर इनवर्स में बी जो है वो ए से रिलेट हो जाएगा, मीन्स हमें इनके बस रेसिप्रोकल करने हैं, आर इनवर्स में इनके उल्टे लिखने हैं बस, सिर्फ यही होता है आर इनवर्स। तो आर इनवर्स मैंने क्या बोला, बी ए से रिलेट होगा, कब होगा, अगर ए जो है वो बी ए कोमा बी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो यहां पे आर इनवर्स आपका हो जाएगा, यहां पे आर इनवर्स हो जाएगा आपका 4 कोमा 1, 5 कोमा 1, 4 कोमा 2, 5 कोमा 2, 4 कोमा 3, तो हमें बस इनके रेसिप्रोकल करने हैं 5 कोमा 3 और 5 कोमा 4, तो ये हमारा आर इनवर्स हो गया, ये हमारा आर इनवर्स एक तरीके से। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 देन शो दैट आर इज इक्वल टू 1 1 1 2 2 2 3 3 3 and 4 4 इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो हमें शो करना है कि ये जो हमारा रिलेशन है आर, ये रिफ्लेक्सिव है बट ना सिमेट्रिक है ना ट्रांजिटिव है। तो हम लोगों को इनकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए, डेफिनेशन मीन्स मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो था जो सेट ए के हर एक एलिमेंट को खुद से रिलेट करे,
तो हमें देखना है एक कितने एलिमेंट्स हैं, चार एलिमेंट्स हैं, तो हमें देखना है वन 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 खुद के साथ रिलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, टू खुद के साथ रिलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, थ्री खुद के साथ रिलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, फोर खुद के साथ रिलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इस तरीके से देखना है। तो हमने लिखा वन कोमा वन, तो हमने देखा वन कोमा वन रिलेट हो रहा है, वन कोमा वन बिलोंग्स टू रिलेशन, टू कोमा टू भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, थ्री कोमा थ्री भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, और फोर कोमा फोर भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। तो हर एक एक एलिमेंट खुद से रिलेट हो रहा है, सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तुम्हारा रिलेशन कैसा है? रिफ्लेक्सिव है। दूसरा सिमेट्रिक, अब दिखाना सिमेट्रिक नहीं है, ये प्रूव करना है एक तरीके से, शो करना है सिमेट्रिक नहीं है। तो जब भी हम लोगों को कभी ऐसा प्रूव करना हो, ऐसा दिखाना हो कि सिमेट्रिक नहीं है या ट्रांजिटिव नहीं है या फिर रिफ्लेक्सिव नहीं है, अगर हमें नहीं वाला पार्ट शो करना है तो हम लोग एक काउंटर एग्जाम्पल लिखेंगे, उससे बिल्कुल इजीली प्रूव हो जाएगा कि ये सिमेट्रिक नहीं है। अब देखो क्या है, वन वन ठीक है, कोई बात नहीं है, वन टू है, और हमें क्या चाहिए? टू वन होना चाहिए, तो टू वन तो है ही नहीं कहीं पे रिलेशन में, तो इसीलिए ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तो हम लोग इसी रीजन को ढंग से लिख देंगे, तो ढंग से लिखते हैं हम लोग इसी रीजन को। कैसे? हम बोलेंगे कि जो रिलेशन है हमारा, हम बोलेंगे वन कोमा टू बिलोंग्स टू रिलेशन, बट टू कोमा वन नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, वन कोमा टू तो रिलेशन बिलोंग कर रहा है, मतलब वन तो टू से रिलेटेड है, पर टू जो है हमारा वो वन से रिलेटेड नहीं है। सो रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक, तो रिलेशन आर हमारा सिमेट्रिक नहीं है। थर्ड जो आता है, अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, और मैं ये भी बता सकते थे, जैसे हमने देखा यहां पे कि टू थ्री को देखा, टू थ्री रिलेशन में टू जो है वो थ्री के साथ रिलेशन बना रहा है, पर थ्री टू तो है ही नहीं, तो इस बात को भी बोल सकते थे या दोनों भी बोल सकते थे। तो हमने इतना किया, ये बिल्कुल सही है, आप वो दूसरा वाला पार्ट भी बोल सकते हो, दोनों भी बोल सकते हो। थर्ड जो है ट्रांजिटिव, हम करेंगे कि रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है ये चेक करते हैं, मतलब हमें प्रूव करना है कि ट्रांजिटिव नहीं है, तो ट्रांजिटिव क्यों नहीं है वो देखते हैं हम लोग। तो ट्रांजिटिव के लिए बताते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन देख रहे हैं हम लोग, ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो हमने देखा यहां पर जो हमारा रिलेशन है, मैं एक बार फिर से इस पेज पे लिख दूं, रिलेशन है वन कोमा वन, वन टू, टू टू, टू थ्री, थ्री थ्री, फोर फोर, ये हमारा रिलेशन है। ठीक है, तो अब ट्रांजिटिव देखते हैं हम लोग, वन कोमा टू ट्रांजिटिव के लिए वन कोमा टू रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, फिर टू थ्री रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, वन कोमा टू रिलेशन बिलोंग कर रहा है, टू कोमा थ्री रिलेशन बिलोंग कर रहा है, तो टू को वन कोमा थ्री भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। अब वन थ्री हमने देखा यहां पे नहीं बिलोंग कर रहा रिलेशन में, तो इसी बात को लिख देंगे, एज वन कोमा टू बिलोंग्स टू रिलेशन, टू कोमा थ्री बिलोंग्स टू रिलेशन, बट वन कोमा थ्री डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसीलिए आर जो हमारा रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो हमने इस क्वेश्चन में देखा है कि अगर हमें प्रूव करना है कि सिमेट्रिक नहीं है या ट्रांजिटिव नहीं है, तो हम लोगों को एक तरीके से काउंटर एग्जाम्पल देके प्रूव कर सकते हैं, जो एक अच्छा मेथड है। तो काउंटर एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, जैसे हमने बताया कि भाई ये तो बिलोंग कर रहा है और ये बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा। और ट्रांजिटिव में जैसे हमने बताया कि भाई वन टू से रिलेट हो रहा है, टू थ्री से रिलेट हो रहा है, और हमने देखा कि वन थ्री वन तो थ्री से रिलेट हो ही नहीं रहा, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो ये हमने एक तरीके से काउंटर एग्जाम्पल दे दिया, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ये जो हमारा रिलेशन है ये ट्रांजिटिव नहीं है।